कश्मीरी पंडितों के पलायन की कहानी पर आधारित फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित फिल्म द कश्मीर फाइल्स बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। बुधवार को मीडिया के साथ एक इंटरैक्टिव सेशन के दौरान फिल्म के निर्माता विवेक अग्निहोत्री और अभिनेत्री पल्लवी जोशी मौजूद थे। जैसे ही दोनों इवेंट में पहुंचे, वहां मौजूद लोग और मीडिया कर्मी जोर जोर से भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाते हुए दोनों का स्वागत करने लगे। इस दौरान जब फिल्म निर्माता से पूछा गया कि क्या वो चाहते हैं कि उनकी फिल्म द कश्मीर फाइल्स महाराष्ट्र में टैक्स फ्री हो, तो उनका जवाब था, देखिए मैं महाराष्ट्र मेरी कर्म भूमि है, मैं जो कुछ हूँ आज महाराष्ट्र में ही हूँ। महाराष्ट्र के अगर महाराष्ट्र में मेरे को स्वागत नहीं किया होता, अपनाया नहीं होता, तो मैं यहाँ क्यों होता है? और बाकी सारी स्टेट्स जिसको टैक्स फ्री कर रही है, छत्तीसगढ़ जो कांग्रेस की स्टेट है वो टैक्स फ्री कर रही है, आज पंजाब से भी कांग्रेस के जो लीडर्स हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उन्होंने भी बोली ये बात। तो बाला साहब ठाकरे जो थे उन्होंने एक दीवार बन के खड़े हो गए थे हिंदुओं के दुश्मनों के सामने, और इसीलिए उन्होंने जब कश्मीर पे ये जेनोसाइड हुआ तो कश्मीरी हिंदुओं को सबसे पहले यहाँ पे शरण शब्द गलत है, और उनको यहाँ पे आके पढ़ने एजुकेट होने के लिए देखो नहीं कर नौकरी का तुम्हें कर रहा हूँ, पढ़ने के लिए उनने किया, और वो कारण है कि आज सारे कश्मीरी हिंदू पुनर्स्थापित अपनी ज़िंदगी में हैं और वो लोग काफ़ी सक्सेसफुल। तो मैं चाहता हूँ कि बाला साहब की आत्मा की शांति के लिए, उनके सम्मान, उनके गौरव के लिए उद्धव ठाकरे जी और उनके पोते आदित्य ठाकरे जी इस पर विचार करें। अगर और देखिए ये फिल्म ये ना सोचें कि ये बीजेपी कांग्रेस विवेक अग्निहोत्री हो, चलिए हम गलत हैं, मैं मानता हूँ हम नहीं सही हैं, आप ही सही हैं, पर कम से कम उन कश्मीरी हिंदुओं का तो सम्मान करिए जिनके लिए बाला साहब ने दिल खोल के उनके लिए काम किया। और हर कश्मीरी हिंदू मुझसे ये बात बोलता है कि सब जगह अगर हो रही है टैक्स फ्री तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो रही। और उद्धव जी बड़े मैं पूरे आदर के साथ कहना चाहता हूँ, जिस तरह से उद्धव जी ने कोविड में लोगों की सहायता की है, बहुत अच्छा काम किया है, और वो इसको भी ज़रूर बिजी होंगे, उनकी कोई मजबूरी होगी, उनको देर हो गई, लेकिन वो ज़रूर इस पर विचार करेंगे, और मुझे ऐसा लगता है कुछ एक दिन के अंदर अंदर वो इसको टैक्स फ्री ज़रूर करेंगे। इसके बाद जब विवेक अग्निहोत्री से पूछा गया कि सोशल मीडिया पर चल रहा है कि यह फिल्म मुस्लिम्स के खिलाफ है, तो उन्होंने कुछ यूं रिएक्ट किया, देखिए सोशल मीडिया में क्या चल रहा है मुझे उससे मतलब नहीं, थिएटर में क्या चल रहा है मुझे उससे मतलब है नहीं। द कश्मीर फाइल्स 11 मार्च को रिलीज हुई थी और इसमें अभिनेता अनुपम खेर, दर्शन कुमार, मिथुन चक्रवर्ती और पल्लवी जोशी ने अभिनय किया है। इसकी कमाई अब भी जारी है। कहानी 1990 में कश्मीरी पंडित समुदाय के नरसंहार के पीड़ितों की पहली पीढ़ी के वीडियो साक्षात्कार पर आधारित है। INS रिपोर्ट।